दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी भगवान शिव के वाहन नंदी की है। इस कहानी में आपको नंदी के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। आखिर नंदी को भगवान शिव ने वाहन के रूप में क्यों स्वीकार किया और भगवान शिव की मूर्ति के सामने हमेशा नंदी का मुंह क्यों होता है, और नंदी जब अल्पायु थे तो उन्हें दीर्घायु का वरदान कैसे प्राप्त हुआ। दोस्तों, नंदी के बारे में कई ऐसे अनसुने तथ्य जो आपको अभी तक नहीं बताए गए या आपने अभी तक नहीं सुना। दोस्तों, हम इस कहानी में आपको वे सारी चीजें बताएंगे। दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखना, और नंदी पूर्व जन्म में क्या थी ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल में एक ऋषि थे, उन ऋषि का नाम था सिलाद। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का निर्णय कर लिया, किंतु जब उनके पितरों को इस बात का पता चला कि सिलाद ने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है, तो वे बहुत दुखी हो गए, क्योंकि जब तक सिलाद को पुत्र की प्राप्ति न होती उनकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। सिलाद विवाह करना नहीं चाहते थे, किंतु अपने पितरों के उद्धार के लिए पुत्र की प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने अपने समान ही एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान सिलाद को दिया। उसके कुछ समय के पश्चात सिलाद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, और भूमि को जोतते समय उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देख करके उन्हें अत्यंत ही हर्ष हुआ, आनंद हुआ, इसलिए उन्होंने उस पुत्र का नाम रखा नंदी, अर्थात आनंद। एक बार की बात है कि मित्र और वरुण नामक दो आदित्य सिलाद मुनि के आश्रम में आए। वहां पर सिलाद और नंदी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर के दोनों ने सिलाद को दो दीर्घायु होने का वरदान प्रदान किया, किंतु नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही वे जाने लगे। तब सिलाद मुनि ने दोनों से पूछा कि उन्होंने उनके पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर दोनों ने बताया कि नंदी अल्पायु है और 16 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के सिलाद विलाप करने लगे। तब उन दोनों ने नंदी को महादेव की तपस्या करने के लिए कहा। फिर नंदी ने भगवान शंकर की बड़ी कठोर तपस्या की, जिससे महारुद्र प्रसन्न होकर के उसे दर्शन देने के लिए आए। तब उन्होंने वरदान मांगने को जब कहा तो नंदी ने सदैव उन्हें उनके सानिध्य में रहने का वरदान मांगा। तब महादेव ने उसे अमरता का वरदान दे दिया और अपने वाहन के रूप में भी उन्हें स्वीकार कर लिया। नंदी वहीं से महादेव के साथ कैलाश को चले गए और उनकी सेवा में रम गए। जब सिलाद को यह पता चला कि भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र अजर अमर हो गया है, तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। महादेव की सेवा करते हुए नंदी को बहुत वर्ष बीत गए और सिलाद उस समय अत्यंत वृद्ध हो गए थे। जब वे अपने पुत्र से मिलने के लिए कैलाश पर पहुंचे तो नंदी अपने पिता को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उनकी खूब सेवा की। तब सिलाद ने उनसे साथ चलने को कहा, किंतु नंदी ने उनकी आज्ञा ये कह करके ठुकरा दी कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान शिव की सेवा करना। तब सिलाद मुनि से भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब इस वृद्धावस्था में वे उनके पुत्र को उनके साथ भेज दें। यह सुनकर के भगवान शंकर ने उन्हें अपने पिता के साथ जाने की आज्ञा दे दी। नंदी महादेव की आज्ञा मान करके वे अपने पिता के साथ भरे मन से सिलाद के साथ लौट तो गए, किंतु उनके प्राण कैलाश में ही रह गए। अपने आराध्य से दूर होने के कारण नंदी का स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगड़ने लगा। जब सिलाद ने उसका विवाह मरुत कन्या सुयसा से करवा दिया ताकि गृहस्थ जीवन में वे रम जाएं और उनका जीवन लगने लगे, किंतु इसका नंदी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह शीघ्र ही मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए। जब सिलाद मुनि ने देखा कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से उसे बचाने की प्रार्थना की। अपने भक्त को इस अवस्था में देख करके वे तुरंत आश्रम में पहुंचे और नंदी को स्वस्थ कर दिया। तब सिलाद मुनि समझ गए कि नंदी महादेव के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए उन्होंने उसे सुयसा के साथ कैलाश जाने की आज्ञा दे दी। एक बार महादेव देवी पार्वती के साथ अंतःपुर में थे और उन्होंने नंदी को द्वार पर रक्षा करने को कहा। तभी वहां महर्षि भृगु आ गए और महादेव के दर्शन की इच्छा व्यक्त की, किंतु नंदी ने उनसे कहा कि महादेव की आज्ञा के अनुसार वे द्वार से नहीं हट सकते। इस पर महर्षि भृगु को क्रोध आ गया और वे उन्होंने नंदी को श्राप दे दिया कि वह जल्दी ही किसी के हाथों परास्त हो जाए। जब भगवान शंकर बाहर आए तो नंदी की स्वामी भक्ति से वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे समस्त शिवगणों का अधिपति बना दिया और नंदीश्वर की उपाधि प्रदान कर दिया। कुछ काल के बाद राक्षस राज रावण कैलाश पहुंचा और नंदी ने जब उसे रोका तब रावण और नंदी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु भृगु के श्राप के कारण रावण ने नंदी को परास्त कर दिया। उसे परास्त करने के बाद रावण ने उसे पशुमुख और उसका कहकर के उपहास किया,
तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि किसी पशुमुख के कारण ही उसका विनाश होगा। उसी श्राप के कारण ही महादेव ने हनुमान के रूप में रुद्रावतार लिया और समस्त लंका को जला करके भस्म कर दिया था। नंदी को स्वामी भक्ति के साथ साथ बल और कर्मठता का प्रतीक भी माना गया है। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के जब श्री राम की सेना ने वीरमणि के राज्य पर आक्रमण किया तो शिवगणों के साथ उनका भयानक द्वंद हुआ। उस युद्ध में नंदी ने स्वयं हनुमान को शिवास्त्र से बांध दिया था। जब देवी सती ने दक्ष के यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था तो वीरभद्र के आने से पहले नंदी ने अकेले ही दक्ष की सेना का संहार कर दिया था। यही नहीं, कई जगह इस बात का भी वर्णन आता है कि श्री गणेश और कार्तिकेय को अपनी पहली युद्ध शिक्षा नंदी से ही प्राप्त हुई थी। एक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से वेदों का रहस्य जानने का अनुरोध किया। एक ज्ञान इतना गूढ़ था कि भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर के अमरनाथ की गुफा में गए ताकि देवता भी इस रहस्य को न जान सके। मार्ग में वे चंद्र वासुकी इत्यादि सभी चीजों का त्याग करते गए और गुफा पर पहुंच करके वे नंदी को भी वही छोड़ते कहते हैं कि बस मैं तुम्हें सबसे अंत में त्याग रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे सबसे प्रिय हो। वेदों का ज्ञान देने से पहले वे पार्वती से कहते हैं कि अगर उन्होंने ये ज्ञान पूरा न सुना तो वह उनसे बिछड़ जाएंगी। देवी पार्वती के आश्वासन देने पर भगवान शिव कथा सुनाते हैं किंतु देवी बीच में ही सो जाती हैं। इस कारण वह शिव से दूर हो गई थी और अगले जन्म में एक मछुआरे के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था। उनके पिता ने शर्त रखी थी जो भी मछुआरा इस विश्व की सबसे बड़ी मछली को मारेगा उसी से हम उसका विवाह करेंगे। जब भगवान शिव एक मछुआरे के बेस में वहां आए और नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली के रूप में अवतार लिया। जब मछुआरे रूपी शिव ने मछली रूपी नंदी का वध करके विवाह की शर्त पूरी की और देवी पार्वती को पुनः प्राप्त किया। भगवान शिव सदैव समाधि में रहते हैं, इसी कारण उन्होंने नंदी को आज्ञा दी है कि वह उनके मंदिर के सामने बैठ करके उनके भक्तों की प्रार्थना सुने। इसी कारण हरेक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होती है और भक्त अपनी प्रार्थना उनके कान में कहते हैं जो सीधे महादेव तक पहुंचती है। बिना नंदी की प्रतिमा के शिव मंदिर अधूरा माना जाता है। नासिक के पंचवटी में एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां नंदी की प्रतिमा नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्मा के पांचवें सिर को काटने के कारण भगवान शंकर को ब्रह्महत्या का पाप लग गया था। तब पंचवटी में गोदावरी के समीप उन्हें एक बछड़ा मिला जो नंदी था। उसने भगवान शिव को गोदावरी के राम कुंड में स्नान करने को कहा। ऐसा करने पर वे ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गए और उन्होंने नंदी को उस स्थान पर अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने से मना कर दिया। नंदी के विषय में एक कथा समुद्र मंथन में आती है। समुद्र मंथन में जब हलाहल निकला तब महादेव ने उसे पी लिया जिससे उनका कंठ नीला हो गया। हलाहल पीते समय कुछ बूंदे धरती पर गिर गई। जब नंदी ने महादेव का कंठ देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उसने जमीन पर पड़ी हलाहल की बूंदों को अपनी जीभ से साफ कर दिया। इसे देख करके सभी हैरान रह गए और नंदी से इसका जब कारण पूछा तब नंदी ने कहा कि जिस कष्ट को उनके स्वामी ने ग्रहण किया है वही कष्ट उसने भी ग्रहण किया है। इसे देख करके देव और दैत्य एक स्वर से नंदी की प्रशंसा करने लगे। शिवगणों में नंदी का स्थान सबसे ऊंचा है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की सेना के 8 प्रमुख सेनापति हैं। गणेश, नंदी, देवी, चंड, महाकाल, ऋषभ, भृंगी और मुरुगण। उसी प्रकार नंदी को नंदीनाथ संप्रदाय का जनक भी माना जाता है। इस संप्रदाय में नंदी के 8 शिष्य माने गए हैं जो 8 दिशाओं में शैव धर्म के प्रचार हेतु गए। ये हैं सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। दोस्तों, यह कहानी नंदी की आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।